तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ को नमन करते हुए, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, उनके अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको अभी नजर आए थे और वो अपनी माँ के पार्थिव शरीर का आशीर्वाद लेते हुए, उनके दर्शन करते हुए। देखिए, भावुक कर देने वाला ये क्षण है, अपनी माँ का पार्थिव शरीर देखना। ये देखिए, ये पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर से, ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। ये शव यात्रा आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गांधीनगर से ये तस्वीरें हैं जहां अब पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इन तस्वीरों में भावुक कर देने वाला ये क्षण है इस बेटे के लिए। और इस वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पार्थिव शरीर को कांधा देते हुए नजर आ रहे हैं, शव यात्रा देखिए निकाली जा रही है, ये किसी भी बेटे के लिए बहुत आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल कर देने वाला क्षण होता है। लेकिन जो जिंदगी की जो रीत है वो आप देखिए, जो हिंदू रीति रिवाज के साथ ये अंतिम संस्कार की रस्म होती है कि पैदल शव यात्रा को ले जाया जाता है, उन्हीं रस्मों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं, उन सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, देश के इतने बड़े पद पर होने के बाद देखिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उन सभी का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं शव यात्रा अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शव यात्रा को अंतिम दौर पर देखिए, जब शव यात्रा है तो कांधा देते हुए अपनी माँ के पार्थिव शरीर को इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और कई अन्य लोग भी इन तस्वीरों में मौजूद हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। भावुक कर देने वाला ये पल है, भावुक कर देने वाला एक क्षण है किसी भी बेटे के लिए। निश्चित तौर पर अपनी माँ की अर्थी को इस तरीके से कंधा देना, ये बहुत आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला पल होता है। उम्र के किसी भी पड़ाव में माँ बच्चे से दूर हो, माँ के लिए या बच्चे के लिए वो जो पड़ाव होता है वो बहुत मुश्किल होता है। एक बच्चे के लिए अपनी माँ को खो देना जीवन के किसी भी मोड़ पर, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो ज़िंदगी की रीत है वो निभाई जाती है और उसका पालन हर किसी को करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शव यात्रा को ले जाते हुए अंतिम संस्कार के लिए कंधा देते हुए, और जैसा कि भारतीय रीति रिवाज के साथ अंतिम यात्रा के लिए शव को ले जाया जाता है, उन्हीं सभी प्रोटोकॉल्स का पालन यहां पर किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये गांधीनगर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अंतिम यात्रा के लिए शव को ले जाया जा रहा है, पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, शव यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए भावुक जरूर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, और ये पल ही कुछ ऐसा है, ये क्षण ही कुछ ऐसा है, ये किसी भी बेटे के लिए, और बेशक बेटा किसी भी पद पर हो, लेकिन ये जो पल होता है ये दुख देने वाला पल होता है, ये निश्चित तौर पर किसी को भी झकझोर देने वाला पल होता है। ये पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और शव यात्रा देखिए यहाँ से निकाली जा रही है, यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह सवेरे हीराबाग का निधन हुआ 3:30 बजे, और उसके कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सब तक ये जानकारी साझा की। और उसके बाद देखिए तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, और अब देखिए ये शव यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब अंतिम संस्कार के लिए जहाँ शव यात्रा को ले जाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की भी देखिए इन तस्वीरों में मौजूदगी आप साफ देख सकते हैं, उनके चेहरे पर वो भाव आप साफ पढ़ सकते हैं, आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। और निसंदेह ये जो पल है, जो क्षण है, ये भावुक कर देने वाला पल है हर किसी के लिए जो भी कोई ये तस्वीरें इस वक्त पर देख रहा है। क्योंकि माँ का जीवन में किसी भी मोड़ पर साथ छोड़कर जाना, माँ के आशीर्वाद का चले जाना, हालांकि माँ इस जीवन में इस धरती पर रहे ना रहे, लेकिन माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चे के साथ होता है, लेकिन माँ का दोबारा से कभी दिखाई ना देना और चले जाना बीच से, ये किसी भी बेटे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दुख देने वाला ये पल होता है, क्षण होता है। और ये अंतिम यात्रा
जो है वो निकाली जा रही है। अंतिम यात्रा रथ आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में देखिए अंतिम संस्कार होगा और वो तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। अंतिम यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ की, जहाँ पर इस रथ में पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शव यात्रा में अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हुजूम है लोगों का, भीड़ है लोगों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन है और ऐसे में हुजूम आप लोगों का देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं देखिए जब इस पार्थिव शरीर को, अपनी माँ के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और देखिए ये उनके चेहरे के भाव आप समझने की कोशिश कीजिए। जो चेहरे के भाव हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है काफ़ी कुछ कि इंसान इस वक्त किस क्या महसूस कर रहा है, क्या अनुभूति उसको हो रही है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से झुकी निगाहों के साथ चल रहे हैं और चेहरे पर जो उनके भाव हैं उदासीनता के, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। देखिए पहले, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर अपनी माँ के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, उनके चरण स्पर्श किए, उसके बाद जब शव यात्रा यहाँ से निकाली गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंधा देते हुए पार्थिव शरीर को नजर आए, उसके बाद उस रथ में बैठे जिसमें पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। ये वो तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है और अंतिम संस्कार के लिए इस वक्त शव यात्रा निकल चुकी है, रथ में शव यात्रा को निकाला जा चुका है। अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार हो जाएगा पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ, जैसा रिचुअल्स में होता है उन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम संस्कार के लिए देखिए यहां से रवानगी की है और रथ में बैठकर शव यात्रा को यहाँ से ले जाया गया। पहले देखिए कुछ दूरी तक पैदल कंधे पर शव को रखकर, पार्थिव शरीर को रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ तक ले जाते हुए नजर आए और उसके बाद इस रथ के माध्यम से जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मां की शव यात्रा को लेकर के निकले और ये तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको दिखाई। और अब होगा अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में, क्योंकि देखिए शव यात्रा निकल चुकी है रथ के जरिए और अब अंतिम संस्कार होगा कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अंतिम संस्कार होगा। सुबह सवेरे तड़के 3:30 बजे खबर आती है कि हीरा बा अब हम सबके बीच नहीं रही। उसके कुछ ही घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह खबर सबसे साझा करते हैं, अपनी मां को याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो तस्वीरें, वो ट्वीट्स सामने आते हैं। उसके बाद लगातार ट्वीट्स के जरिए जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, बेशक पक्ष के हों, विपक्ष के हों, आज हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी संवेदनाएं देता हुआ नजर आया, उनकी मां के व्यक्तित्व को, उनकी मां के चरित्र को याद करता हुआ नजर आया। और लगातार वो तस्वीरें आपने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए जानकारी, खबर सब तक पहुंचाई कि उनकी मां अब हम सबके बीच नहीं रही हैं। उसके कुछ ही देर के बाद तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और एयरपोर्ट से सीधा वो उसी आवास पर पहुंचे, वृंदावन अपार्टमेंट्स में, जहां पर उनके मां के पार्थिव शरीर को रखा गया था। सबसे पहले जाकर उन्होंने अपनी मां के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, चरण स्पर्श किए और उसके बाद देखिए शव यात्रा को अपने कंधों पर रखकर उदासीन भाव के साथ प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं और शव यात्रा को रथ में फिर लेकर ले जाया जाता है और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए अब रवानगी हो चुकी है और कुछ ही मिनटों में अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए मन को जरूर कहीं ना कहीं दुख देती हैं क्योंकि ये पल बहुत भावुक कर देने वाला है। किसी भी बेटे के लिए उम्र के किसी भी पड़ाव में अपनी माँ को खो देना अपूर्णीय क्षति, इस दुख का अंदाजा हर एक व्यक्ति इसको समझ सकता है कि माँ का चले जाना किस तरीके से भयभीत करता है, उम्र के किसी भी पड़ाव पर माँ हो। लेकिन अगर माँ एक बेटे के जीवन से चली जाती हैं तो उसका दुख हर कोई समझ सकता है और वो जो क्षति होती है, वो जो गति होती है, वो अपूर्णीय होती है, उस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें जो एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे प्रोटोकॉल्स को निभाते हुए अपनी माँ के पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और रथ तक पहले देखिए पैदल ही अपनी माँ के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर जाते हैं, कंधा देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब रथ तक ये शव यात्रा पहुंचती है, रथ में बैठकर उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए देखिए रवानगी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रथ में आपको नजर आए और लोगों का हुजूम इन तस्वीरों में आपने देखा। सभी संबंधी, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, गमगीन है सब। देखिए दुख है, 100 साल का जो जीवन
उन्होंने व्यतीत किया हीराबाद ने। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हर कोई याद करता है, जो प्रेम भाव, जो शालीनता, जो सरलता उनके चेहरे पर नजर आती थी, हर कोई उस भाव को याद कर रहा है, हर कोई उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को याद कर रहा है उनके चेहरे पर। वो जब भी बात करती थी उनकी आवाज़ में आप सुनिएगा, जैसा भी कभी भी मीडिया के सामने वो आती थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए उनके कुछ क्लिप्स हमने देखे हैं वीडियो क्लिप्स के जरिए, वो समझ में आता था कि कितने संघर्ष के बाद वो इस जीवन को कितनी सरलतापूर्ण तरीके से जीती हैं, कितने सरलता के साथ, अनुशासन के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी 100 बरस का हो जाने के बाद भी वो अपने तकरीबन काफ़ी काम खुद से किया करती थी, वो कोशिश करती थी कि वो खुद से काम करे। आस पड़ोस के लोग जिनकी आंखें नम हैं, देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आस पड़ोस के लोग हैं जो इस वक्त गमगीन हैं, दुख के साथ याद कर रहे हैं हीराबा को जो अब हम सबके बीच नहीं रही है, और हर कोई आज उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को याद करते हुए गमगीन हो रहा है, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये बता रहा है कि हीराबा का जो एक व्यक्तित्व था वो आदर्श माँ का था, जो उनका व्यक्तित्व था वो एक आदर्श नागरिक का था, जो उनका व्यक्तित्व था वो एक ऐसे आदर्श व्यक्ति का था जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है, जिससे हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है। या आस पड़ोस के लोग जो उनके साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे, उनको देखा करते, आंखें नम हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए नम आंखों के साथ हीराबा को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंतिम सफ़र है देखिए हीराबेन का, और वो तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। आस पड़ोस के लोग जो गमगीन हैं, याद कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से देखिए धार्मिक तौर पर यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए, भजन गाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और याद कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि ईश्वर स्वर्ग में अपने श्री चरणों में हीराबेन को जगह दे। और नम आंखों के साथ देखिए विदाई दी गई है और अंतिम यात्रा पर है हीराबेन, और शव यात्रा को लेकर जाया जा चुका है अंतिम संस्कार के लिए। आस पड़ोस के महिलाएं जो उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया करती थी, गमगीन है, तकलीफ है, दुख में है, आंखें देखिए आप उनकी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि व्यक्तित्व कैसा आज हम सबके बीच से गया है और कैसे आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। ये वो व्यक्तित्व है जिसे हर कोई जब भी याद करता है तो छवि आती है आदर्श माँ की, एक आदर्श नागरिक की, जो लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती थी, उम्र के इस पड़ाव में भी वोट करने जाती थी, मतदान केंद्र पर पहुंचती थी, वोट करती थी। ये वो महिला जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्होंने संघर्षों के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया और बचपन से आर्थिक तंगी से जूझी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ का जिक्र करते हैं ना, इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे घरों में काम करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें वो जीवन की जो तरीके तौर तरीके अनुशासन के साथ रहना उन्होंने हमें सिखाया, अपने माँ के पद चिन्हों पर मैं चलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जिक्र किया करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक ब्लॉग के जरिए लिखते हैं, उन्हें याद करते हैं, जब आज भी वो ब्लॉग, वो लेख हम सबको याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी माँ हीराबेन के 100वें ब्लॉग पे, 100वें जन्मदिन के मौके पर एक ब्लॉग लिखा था, और उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा था कि जब मैं आज अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ ना, तो मैं उनके संघर्ष को याद करता हूँ कि कैसे संघर्षों के साथ उन्होंने अपने जीवन को बिताया। और मैं जब आज ये लिख रहा हूँ तो हर व्यक्ति आज अपनी माँ को याद कर रहा होगा, हर व्यक्ति इससे रिलेट कर पा रहा होगा, क्योंकि हर माँ एक जैसी होती है, हर व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि ये तो मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हर माँ एक जैसी होती है, हर माँ अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष करती है वो संघर्ष इस दुनिया में, इस जीवन में कोई और नहीं कर सकता, बेशक वो माँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या वो माँ किसी भी व्यक्ति की हो, हर माँ एक जैसी होती है। इस ब्लॉग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। तो देखिए ये तस्वीरें जो आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ की जब अंतिम सफर में पहुंचे हैं और उन्हें सबसे पहले उन्होंने देखे चरण स्पर्श किया, अपनी माँ के अंतिम दर्शन किए, उसके बाद पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया, शव यात्रा रथ तक लेकर पहुंचे और उसके बाद देखिए रवानगी हुई अंतिम संस्कार के लिए। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, नम है आंखें, गमगीन है। ये वो महिलाएं हैं जो समय अक्सर व्यतीत किया करती थी हीराबेन के साथ, बेशक वो माँ थी प्रधानमंत्री की, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति की तरह था, एक बहुत ही सरल जीवन वो व्यतीत किया करती थी। 2012 में जब वो मीडिया से एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, जब उनसे बात की गई, मीडिया ने उनसे बात की, तो उन्होंने 2012 में इस बात का जिक्र किया कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा,
2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, 2012 का वो समय याद आता है। देखिए माँ का आशीर्वाद कितनी ताकत होती है, उसमें कितनी शक्ति होती है, और माँ जब आशीर्वाद देती है तो वो आशीर्वाद स्वरूप किस तरीके से सामने आता है वो हमने 2014 में उसका लाइव उदाहरण हमने देखा था। और प्रधानमंत्री खुद भी इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरी माँ अक्सर बोला करती थी 2012 में, हमने तो खुद सुना जब प्रधानमंत्री की माँ ये बोलती थी कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त पर वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इस बात का जिक्र हीराबेन किया करती थी। 2014 में देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब जब वो उन्हें याद कर रहे हैं, अपनी माँ के अंतिम सफर को याद कर रहे हैं, उनके जीवन को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने जब एक ट्वीट सुबह किया तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन का उन्होंने जिक्र किया, जीवन जियो शुद्धि से और काम करो बुद्धि से। ये वो बात अपनी माँ के 100वें जन्मदिन पर जो उनकी माँ ने जो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे हीराबेन ने, उन शब्दों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हुए भावुक हो उठे और उन शब्दों को उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा और कहा कि मेरी माँ ने अपने 100वें जन्मदिन पर मुझे इस बात को कहा था, इस लाइन को, ये शब्द मेरी माँ के थे और आज मुझे वो शब्द याद आते हैं कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये संस्कार, ये अनुशासन, ये वो बातें थी, ये वो शब्द थे जो हीराबेन कहा करती थी, ये वो शब्द थे, ये वो प्रेरणा थी जो एक माँ अपने बेटे को दिया करती थी, वो बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है। वो तस्वीरें देखिए, हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चरण स्पर्श करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के, अंतिम सफर है, अंतिम दर्शन है, झुककर सम्मान के साथ अपनी माँ के चरण स्पर्श किए और उनके अंतिम दर्शन किए। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ पैदल चलते हुए रथ तक अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये तीसरी तस्वीर वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए लेकर गए रथ में और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए रवानगी हुई। ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, भावुक कर देने वाली ये तस्वीर हैं। बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि माँ जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी मोड़ पर जाए, किसी भी उम्र में जाए, माँ का जाना वो क्षति है, वो कमी है, इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, अपूर्णीय कमी, अपूर्णीय क्षति है। और ये मन को विचलित कर देती है खबर, ऐसी तस्वीरें एक माँ के निधन की, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वो क्षण बहुत भावुक कर देने वाले होंगे। लेकिन चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रोटोकॉल्स का उन्होंने ख्याल रखा, उनका ख्याल रखना है उनको, और ऐसे में जो भी रीति रिवाज के साथ अंतिम दौर में जो भी होता है, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन सब का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक वो चरित्र देखिए आज हम सबके बीच से खोया है, एक वो व्यक्तित्व हम सबके बीच अब नहीं है जिसे अक्सर एक आदर्श नागरिक के तौर पर देखा जाता था। डिमोनेटाइजेशन के वक्त आपने देखा एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाती हुई लाइन में लगी हुई एक माँ, 90 के जो उनका पड़ाव चल रहा था उम्र का, उस वक्त पर भी वो लाइन में लगी और डिमोनेटाइजेशन के समय वो तस्वीरें आपने देखी, जब भी चुनाव होते थे मतदान केंद्र पर जब वो वोट डालने जाती थी वो तस्वीरें हमने देखी। कोई व्यक्ति अपने जीवन के जो 90 के दशक में चल रहा हो, बुजुर्ग एक श्रेणी में चल रहा हो, उस वक्त पर भी वो कैसे अपने जीवन के हर काम को पूरे कर्तव्य के साथ पूरा कर सकता है, बेशक वो नागरिक की भूमिका हो, माँ की भूमिका हो, कैसे उसको निभा सकता है, कैसे उसका पालन कर सकता है, इसकी तस्वीरें, इसकी बानगी थी हीराबेन। और वो तस्वीरें लगातार जब भी सामने आती थी एक माँ और बेटे के रिश्ते की, वो काफी ज्यादा मन को खुश करती थी। ये आप 4थी तस्वीर देखिए, ये पुरानी क्लिप है, फाइल हम आपको दिखा रहे हैं, जब कुछ वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के साथ व्यतीत किया करते थे। देखिए चूंकि व्यस्ततम स्केड्यूल रहता था प्रधानमंत्री का, बहुत ज्यादा वक्त उनको नहीं मिलता था अपनी माँ के साथ व्यतीत करने का, लेकिन मंच कोई भी हो, देश का बड़े से बड़ा मंच या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच, अपनी माँ का जिक्र करना प्रधानमंत्री नहीं भूला करते थे। और जब भी उन्हें मौका मिलता था, खासतौर पर जब भी वो अहमदाबाद जाते थे, तब वो अपनी माँ से मिलते थे और जरूर वहां पर
जाते थे, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते थे। और देखिए माँ भी हमेशा आशीर्वाद देती थी और उनको भगवत गीता तोहफे में दिया करती थी। आप सोचिए एक माँ अपने बेटे को भगवत गीता तोहफे में दे रही है, उसकी प्रेरणा चाहती है वो उनके बेटे को मिले, और साथ ही साथ आशीर्वाद के रूप में वो कुछ पैसे शगुन के तौर पर, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि माँ अपने बच्चों को दिया करती है शगुन के तौर पर, वो तस्वीरें हम देखा करते थे अक्सर। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सभी कार्यक्रम में शामिल होंगे, ट्वीट करके जानकारी दी है पीएम मोदी ने। देखिए ये एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल वाले कार्यक्रम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आज कार्यक्रम है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचना था लेकिन अब वर्चुअल माध्यम से भी वो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, ये जानकारी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। पीएमओ ने ये जानकारी दी है। देखिए पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है, जो पश्चिम बंगाल में जो कॉन्फ्रेंस होना है नमामि गंगा को लेकर, राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो बैठक का कार्यक्रम है उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अब आप इस बात को समझिए कि एक तरफ तो एक बेटे का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, दूसरी तरफ जो काम को लेकर उनकी श्रद्धा है, जो काम को लेकर उनकी भूमिका है वो भी वो निभाएंगे। आप ये पल को महसूस कीजिए, बेटे के लिए कितना ये दुख देने वाला क्षण, कितना भावुक कर देने वाला क्षण होता है, अपने बेटे की कर्तव्य का जो निर्वहन है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जब अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए वो समय से फटाफट से तुरंत पहुंचे, तुरंत प्रभाव से, और दूसरी तरफ जो भी उनके आज के कार्यक्रम थे, स्केड्यूल थे, उनको कुछ भी उन्होंने रद्द नहीं किया है, वो सभी कार्यक्रम वैसे ही चलेंगे। जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो कार्यक्रम होना था नमामि गंगा को लेकर, राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो आज दूसरी बैठक थी जिसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को इन्विटेशन दिया गया था, उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हालांकि देखिए यह कार्यक्रम होगा, पहले प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचना था लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चूंकि यह कार्यक्रम होना है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जुड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो भी आज के उनके स्केड्यूल के जो तहत जो कार्यक्रम रखे गए थे कुछ भी उन्होंने रद्द नहीं किया, वो सब कार्यक्रम वैसे ही होंगे जैसे होने थे। काम के प्रति निष्ठा, बेटे का कर्तव्य, ये सब निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए नजर आ रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं कि कोई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रद्द नहीं किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भले ही जुड़े। हालांकि खबर मिल रही थी कि पहले प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हुए कि वहां पर वो पहुंच नहीं पाएंगे हालांकि कोलकाता में, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ूंगा। अब इस बात को पीएमओ ने पुख्ता कर दिया, ट्वीट के जरिए पीएमओ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होनी है, दूसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें गंगा के प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा होनी है। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें इन्विटेशन दिया गया है, जहां से भी गंगा बहती है वहां से मुख्यमंत्रियों को वहां पर बुलाया गया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कार्यक्रम को भी कैंसिल नहीं किया, उस कार्यक्रम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। बेटे का कर्तव्य भी निभा रहे हैं, देश के प्रति जो कर्तव्य है, जो काम है, काम के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी निभाएंगे, जैसा कि आज उनके कार्यक्रम होने थे उसी तरीके से उसी समय पर उनके कार्यक्रम होंगे, कुछ उन्होंने रद्द नहीं किया। सुबह सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे खबर मिलती है तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं, उसके बाद अपने मां के अंतिम संस्कार के लिए वो जल्दी से पहुंच जाते हैं, उन्हें देखिए अंतिम चरण स्पर्श करते हैं, उनके अंतिम दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद शव यात्रा को वहां से निकाला जाता है, कंधा देते हैं, उसके बाद रथ तक जब शव यात्रा पहुंचती है और रवानगी होती है अंतिम संस्कार के लिए, वो सभी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने आपको दिखाई। और ये तस्वीरें देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कि एक बेटे का कर्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाखूबी निभा रहे हैं, और एक जो उनका कर्तव्य है देश के प्रति निष्ठा है, जो वो भी उसको अच्छे से निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं, सभी अपने कार्यक्रमों को उसी तरीके से करेंगे जैसे वो उन्होंने अपने कार्यक्रम रखे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से वो अपने कार्यक्रमों को आगे भी ऐसा ही रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे जो कार्यक्रम उनके रखे गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक होनी है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।